नमस्कार, हम आज पेंशन पाड़ा में आ चुके हैं। पेंशन पाड़ा संबलपुर का एक हार्ट ऑफ पार्क बोला जाता है। बगल में अशोका टाकीज, बगल में जिला स्कूल, बगल में बड़े बड़े होटल रेसिडेंशियल, और ये रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर अच्छा सभ्य परिवार के, अच्छे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, और हर परिवार के लोग यहाँ पर बसते हैं। रात को वो आते जाते हैं हर कोई यहाँ पर। अच्छे परिवार, अच्छी फैमिली इस एरिया में रहती हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, यहाँ पर आज तक रोड लाइट नहीं जलती। जो कचरे हैं, तीन तीन महीना हो गया। यहाँ लोगों का कहना है कि तीन तीन महीना हो गया, हम म्यूनसिपाल्टी में कंप्लेन करते हैं, लेकिन म्यूनसिपाल्टी बड़े बड़े दावा करती है कि हम लोग तुरंत लाइट सब ठीक करते हैं, स्ट्रीट लाइट ठीक करते हैं, और कचरों के ढेर पर तो पेंशन पाड़ा बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं इस कचरे के ढेर के ऊपर में किस तरह पेंशन पाड़ा बैठा हुआ है। घर से निकले तो बदबू, घर में घुसेंगे तो बदबू, हर तरह बदबू आता है। अब पेंशन पाड़ा वाले अब जाए तो कहाँ जाए। संबलपुर महानगर में कंप्लेन करने जाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, क्योंकि अब इनकी मनमानी चलती है महानगर वालों की, क्योंकि हर यहाँ हर परिवार है। आइए मिलेंगे पेंशन पाड़ा के हमारे भाई साहब से। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम MD अकबर चौधरी। जी सर, जो यहाँ पर जो लाइटें नहीं जलती है, कचरे के ढेरों पर पेंशन पाड़ा बैठा हुआ है, इसके बारे में बताइए। ये म्यूनसिपाल्टी में जाके कंप्लेन कर चुके हैं हम लोग, तीन चार महीना हो गया, कोई एक तो भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है और कोई वहाँ सुनता भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग किसके पास जाएं? चलिए धन्यवाद, भी नहीं है। अब इनकी बातें सुने, ये कहते हैं म्यूनसिपाल्टी में जाते हैं, तीन तीन महीना हो गया, कंप्लेन करते हैं। म्यूनसिपाल्टी वाले कोई लाइट इंस्पेक्टर तक देखने नहीं आता है कि लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। चलिए थैंक यू सर। हाँ सर, आप बोलेंगे, आपका नाम? मोहम्मद हाशिम है जी। हाशिम सर, आप भी यहाँ रहते हैं? यहाँ देखा जाए तो सभ्य परिवार, अच्छे परिवार के लोग रहते हैं, कमाते खाते अपना परिवार से मतलब है। आज ये लोग कचरे के ढेरों में सवेरे से शाम तक नालियाँ साफ नहीं होती, लाइटें के बारे इसके बारे में बताएंगे सर आपको क्या क्या प्रॉब्लम? लाइट नहीं रहने की वजह से पाड़े में चोरी भी डेली हो रहा है, कुछ ना कुछ सबके घर में। कल रात में भी हुआ है चोरी, खम्भे सब टेढ़े हो गए, चेंज नहीं कर रहे, कभी भी खम्भा गिर सकता है। जी सर, और एक भी लाइट आज हो गया, छः सात महीना नहीं जल रहा है हमारे मोहल्ले का, कचरा भी सही से साफ नहीं हो रहा है, ना नाली कोई सा भी। एक आप बोलेंगे सर, आपका नाम? शेख ताज। हाँ ताज, वो शेख ताज, जिस तरह ताज अभी आप ताजमहल में रहने वाले, सर में ताज पहन के घूमते हैं, तो सर आप यहाँ रहते हैं सर, तो इसके बारे में बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए यहाँ का जो गड्ढा है, जो सड़क है, वो सब गड्ढा उड्ढा भरा नहीं जा रहा है, ना ही नाली सफा हो रहा है, ना ही कचरा देखा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सरकार कर क्या रही है। समझे कि नहीं? ये चीज़ है, रात में इसके कारण वो लाइट नहीं रहने का कारण में लाइट नहीं जलता, कुछ नहीं होता है, ना सुबह में झाड़ू मारने वाले नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा है, बोले ना कचरा उठाने वाले आते हैं, ना झाड़ू मारने वाले आते हैं। थैंक यू सर। अभी हमने ताज बाबू सर ने, वो भी कहते हैं वही पारा की प्रॉब्लम, वही लाइटें नहीं, सफाई नहीं। अरे हमारे सामने भाई साहब है, सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है। जी सर, सुल्तान जी, जिस तरह सुल्तान कहने से बहुत बढ़िया नाम होता है, हर तरफ आपका नाम फेमस होता है, सुल्तान जी आ रहे हैं। तो सर जो अब आपके राज में जो लाइटें वाइटें के बारे में बताएं क्या क्या प्रॉब्लम होता है? सर देखिए, खंबा है लेकिन लाइट नहीं। जी सर, ठीक है, रिंग नहीं है, बोलो रिंग नहीं है। कुछ मतलब म्यूनसिपाल्टी में कंप्लेन करने के बावजूद भी ऑफिसर लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, मतलब आश्वासन दे देते हैं कि नहीं, हाँ हमारे आदमी आएंगे, लाइट लगाएंगे, चले जाएंगे। दो आदमी यार कभी नहीं आते। रोड घाट देखिए कितना गड्ढा होके रखा है, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहता है, बच्चे लोग खेलते रहते हैं, गाड़ी इतना स्पीड में आता है, सब पूरा मतलब एक्सीडेंट होते रहता है बच्चों लोग का, ठीक है। और चोरी तो इतना होता है सर, छोड़ी दीजिए कि आप अभी सुन लिए होंगे कि किसी का बैटरी चोरी हो गया, किसी का टायर चोरी हो गया, यहाँ तक कि पेट्रोल तक चोरी कर ले रहे हैं। रात में 8 घर घुसा गया था। चलिए, और ये देखिए कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, ना म्यूनसिपाल्टी गाड़ी आता है, ना कुछ आता है, मेंटेनेंस नहीं है सर। हम चाहते हैं कि हमको प्रॉपर मेंटेनेंस दीजिए, खंबा है तो लाइट दीजिए, हर 15 दिन 20 दिन में उनका आदमी आए, देखे, चेक करे कौन सा लाइट जल रहा है, कौन सा लाइट नहीं जल रहा है। बारिश का टाइम है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, रोड घाट में खेलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सुल्तान जी से बातें सुनी, वो भी कहते हैं कि हमारे मोहल्ला में देखिए, हम लोग परिवार वाले आदमी है, परिवार वाले रात को आते जाते हैं, किसकी फैमिली आती जाती है, यहाँ तो लाइटें नहीं, खंभे जो खंभे हैं सारे बैंड हो चुके हैं, और हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। और रात को चोरों को तो स्वागत, चोरों लोगों को तो बहुत ही मस्ती मिल गया, वो कहते लाइटें नहीं जलती, मन मर्जी चोरी करते हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर
जसवीर सिंह की रिपोर्ट, और हम भी सरकार के यही निवेदन करेंगे सर, जितना जल्दी हो सके इनके राइड लाइटें का, हाँ जितने लाइटें का कचरों का काम करें, थोड़े भर दीजिए जी सर, और गाड़ी बुलवा के थोड़ा कचरा उचरा साफ करने का। थैंक यू सर, अब इनकी बातें सुनी। अब सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है, हम 24 घंटा मेंटेनेंस करते हैं, ये करते हैं, वो सब वादे आप ही देख रहे हैं, सरकार कितना बड़ी बड़ी वादे करती है, अब आप लोगों का आँखें सामने में।